तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के इसराइल पर हुए हमले के बाद इसराइल के पक्के दोस्त फ्रांस ने इसराइल को दिया धोखा। फ्रांस ने इसराइल को हथियार देने पर लगाया बैन, भड़का इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी की बम्पर हो रही है जीत। एनडीटीवी के एग्जिट पोल में दोनों राज्य में बन रही कांग्रेस की सरकार, भाजपा का हो रहा है सूपड़ा साफ। हिजबुल्ला से तनाव के बीच ईरान ने इसराइल पर फिर से दागे रॉकेट। इसराइल के दो सैनिकों की मौत, नेतन्याहू की उड़ी नींद, अब कुत्ते की मौत मरेंगे यहूदी। तेज प्रताप यादव बदल रहे हैं धर्म, जयश्री राम के नारे पर जताई आपत्ति, बनेंगे जल्द मुसलमान। इसराइल के हमले झेल रहे लेबनान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया अतिरिक्त फंड, $10 मिलियन लेबनान को देने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा के साथ गठबंधन से किया इनकार, बोले बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस के साथ बनाएंगे सरकार, बीजेपी से नहीं है किसी तरह का संबंध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के इसराइल पर हमले के बाद इसराइल को लगा फ्रांस से तगड़ा झटका। फ्रांस ने इसराइल को हथियार देने पर लगाया बैन। जो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के इसराइल पर हुए मिसाइल हमले के बाद इसराइल को दूसरा सबसे बड़ा झटका उसके पक्के दोस्त फ्रांस से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस ने इसराइल को हथियार देने पर आज बैन लगा दिया है। इस बैन से इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भड़क गए हैं और उन्होंने फ्रांस पर अपनी भड़ास निकाली है। दरअसल आपको बता दें कि इसराइल लगातार गाजा पट्टी में बेगुनाह मुसलमानों पर बमबारी कर रहा था। इसी मामले को लेकर फ्रांस ने इसराइल के खिलाफ ये कार्रवाई की और फ्रांस ने इसराइल को हथियार देने से बैन कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस ने मांग की थी कि इसराइल गाजा पट्टी में बेगुनाह मुसलमानों पर बमबारी रोके, लेकिन इसराइल ने फ्रांस की बात को नहीं माना। इसी बात से नाराज होकर फ्रांस ने इसराइल को हथियार देने पर बैन लगा दिया। जब इसराइल और गाजा पट्टी में जंग शुरू हुई थी तब फ्रांस अमेरिका इसराइल को हथियार दे रहे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत। एनडीटीवी ने एग्जिट पोल किए जारी, भाजपा को झटका। जो दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। दरअसल आपको बता दें कि वोटिंग खत्म होने के बाद शनिवार शाम को अलग अलग न्यूज एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल जारी किए। दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा एग्जिट पोलों में किया गया है, जबकि भाजपा यहां पर चुनाव हार रही है। ज्यादातर एजेंसियों ने हरियाणा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा पार कर लेने का दावा किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों ही राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने को लेकर भाजपा की नींद उड़ी पड़ी है और भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्ला से जंग के बीच ईरान ने इसराइल पर फिर से दागे रॉकेट, दो इसराइल के सैनिकों की मौत। जो दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्ला से चल रही जंग के बीच ईरान ने इसराइल पर दोबारा से हमला कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने इसराइल पर फिर से रॉकेट दाग दिए हैं। इन रॉकेट हमलों में इसराइल के दो सैनिकों के मारे जाने की खबर है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को भी इसराइल पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया था, जिसमें कई एयर बेसों को निशाना बनाया गया था। वहीं आपको बता दें कि 2-3 दिन के बाद फिर से ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है और दो इसराइल के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। और इसराइल की सेना ने इस बात की जानकारी दी है, इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी इसको रोकने में नाकाम रहा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेज प्रताप यादव बदल रहे हैं धर्म, जयश्री राम के नारे पर जताई आपत्ति। जो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं एक बार फिर राजद नेता
तेज प्रताप यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा को दिए इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि वह अब मेरा फोन नहीं उठाते हैं। जब राजद नेता तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि क्या वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनसे वीडियो कॉल पर बात होती है लेकिन वह मेरा फोन नहीं उठाते हैं। इस बीच अयोध्या पर बोलते हुए राजद नेता ने कहा, हम राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए। उन्होंने कहा कि हमें समय नहीं मिला। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि हम जय श्री राम नहीं सीता राम कहते हैं। उन्होंने कहा कि जय श्री राम और सीता राम में बहुत अंतर है। जय श्री राम में सिर्फ राम जी का नाम होता है लेकिन सीता राम में माता जानकी का भी नाम होता है और भगवान राम का भी नाम होता है। इसे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से जंग लड़ रहे लेबनान को संयुक्त राष्ट्र ने अतिरिक्त फंड किया जारी। जदोस आपको बता दें कि इजराइल के हमलों से लेबनान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इसे देखते हुए लेबनान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता के लिए अतिरिक्त फंड से $2 अरब देने का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है और नए फंड के लिए $12 मिलियन देने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के मना करने के बाद भी इसराइल लगातार लेबनान पर बमबारी कर रहा है और लेबनान में भी हिजबुल्ला इसराइल के सैनिकों को कुत्ते की मौत मार रहा है। इसी मामले को लेकर यूएन ने जो है इसराइल के हमले झेल रहे लेबनान की मदद की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में डांडिया में घुसे मुसलमानों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गंभीर रूप से किया घायल। जो दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के कानपुर जिले में आयोजित डांडिया कार्यक्रम में मुस्लिम होने के शक में दो युवकों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बताया जा रहा है कि आयोजकों ने दोनों युवकों से आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा था लेकिन दोनों आनाकानी करने लगे, जिसके बाद कई लोग दोनों को घेर लिए, लात जूतों से पीटा, कपड़े फाड़ दिए। दोनों बचने के लिए बाजार की तरफ भागे तब भी उन्हें नहीं छोड़ा। पूरा मामला स्वरूप नगर का है। दरअसल आपको बता दें कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन लगातार मुसलमान नाम बताने के कारण उनको पीटते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे फारूक अब्दुल्ला, किया साफ। जदोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का संपन्न हो गया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल भी जारी किए गए हैं। इन एग्जिट पोलों में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बहुमत में दिखाया जा रहा है और बीजेपी यहाँ बुरी तरीके से हार रही है। इसी मामले को लेकर खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में बहुमत ना मिलने पर जो है महबूबा मुफ्ती की पार्टी तो जीत भी नहीं पा रही है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तब भी वो उनसे गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में भाजपा के लिए बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी ठहराया, सजा पर फैसला सुरक्षित। जो दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2013 में की गई सीओ जियाउल हक हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने आरोपी 10 लोगों को दोषी करार दिया है। घटना के 11 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम, सरोज राम, लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आश्रय, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल को दोषी पाया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी सुधीर को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। अदालत में मौजूद सभी आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर को तलब किया गया था। इस केस में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी रहे गुलशन यादव भी आरोपी हैं, लेकिन दोनों को सीबीआई जांच में पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत, एनडीटीवी ने एग्जिट पोल किए जारी, भाजपा को झटका। ये दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। दरअसल आपको बता दें कि वोटिंग खत्म होने के बाद शनिवार शाम को अलग अलग न्यूज एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी किए। दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा एग्जिट पोलों में किया गया है, जबकि भाजपा यहां पर चुनाव हार रही है। ज़्यादातर एजेंसियों ने हरियाणा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कही है, वहीं